वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन बोले तो धूप रोधक, जो हमें बचाता है सूरज से होने वाली हानिकारक किरणों से। देखा जाए तो सूरज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उससे विटामिन डी मिलता है, सर्दियों में हमें वार्मथ देता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी हार्मफुल, नुकसान कहीं ना कहीं हो ही जाता है। मतलब यहाँ आपकी सनस्क्रीन से नजर हटी और वहां समझ लो दुर्घटना घटी। तो वाली चीज नहीं करते हैं, जान लेते हैं सनस्क्रीन के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सनस्क्रीन को कैसे अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसे क्रीम की तरह लगाते हैं, कुछ लोग लोशन की तरह लगाते हैं, कुछ लोग सीरम की तरह लगाते हैं और कुछ लोग बस लगा लेते हैं, चाहे फायदा मिले चाहे नहीं मिले। तो ये सही तरीका नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बड़ा ही मजेदार होने वाला है, लेट अस गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन को, ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रह पाएं। पसंद आए ये वीडियो तो इसे लाइक जरूर करना, और UVA और UVB से होने वाले नुकसान से अगर मैं आपको बचा पाई तो इस वीडियो को शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन क्या है। सनस्क्रीन एक बैरियर होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है हमारे स्किन पे, जो हमें सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाता है। सूरज की हानिकारक किरणें जो दो तरीके की रेडिएशन होती हैं, वो है UVA और UVB। देखा जाए तो UVA रेज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। उससे हमें एजिंग प्रोसेस, हमारा जो एजिंग प्रोसेस होता है वो स्पीड अप हो जाता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा फाइनलाइज हो जाती है, रिंकल्स हो जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टैनिंग जो होती है वो UVA की वजह से होती है। अगर हम बात करें UVB तो वो भी महान है। UVB का जो बी है वो आप लगा दीजिए सनबर्न में, उससे हमें होता है सनबर्न, और UVB रेज कॉज करती है स्किन कैंसर। थोड़ी सी नजर डाल देते हैं कि सनस्क्रीन आखिर हमारी स्किन को कैसे बचाता है, उस बात पे भी। जब भी आप मार्केट जाते होंगे सनस्क्रीन लेने, आपको दिखता होगा SPF और नंबर। नंबर को साइड कर दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा SPF पे, जिसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, और उसके साथ में जो नंबर होता है 20, 20+, 30, 40, 50, 100, वो इंडिकेट करता है कि वो सनस्क्रीन आपकी कितनी देर के लिए रक्षा करेगा। अगर हम बात करें SPF 30 की तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है 96.7%, और अगर हम चले जाएं SPF 40 पे तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है 97.5%। और पूरी लिमिट क्रॉस कर दीजिए, आप पहुंच जाइए SPF 100 पे, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 99% प्रोटेक्शन ही देने वाला है अगेंस्ट सन रेज। तो मेरी नजर में SPF 50 के ऊपर जाना इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई सा भी SPF आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। फाइनली हम देख लेते हैं कि सनस्क्रीन को कैसे अप्लाई करना चाहिए ताकि हम हमारे स्किन को मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर पाए अगेंस्ट सन डैमेज। सो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस की तरफ से एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन। नाउ दिस इज वेरी वेरी न्यू फॉर मी, आपने सनस्क्रीन बहुत देखे होंगे, एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन बहुत नया है, देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी चीज है, क्योंकि सन से हमें जो डैमेज होते हैं वो हम सनस्क्रीन लगा के कर लेते हैं, पूरा हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन जो पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो स्किन डैमेज होती है, जो हमारे स्किन पे डर्ट इम्प्योरिटीज होती हैं, उसकी वजह से जो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ब्रेकआउट, एक्ने और ये सारी चीजें होती हैं, उनका क्या? कुछ एडवांस चीज है ये सनस्क्रीन, दो तरीके से काम करता है, आपको सन से होने वाले डैमेज से तो बचाता ही है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से जो आपकी स्किन का कचरा होता है उससे भी आपकी स्किन को काफी अच्छे से सेव करता है। देखा जाए तो इसमें है SPF 40 जो कि काफी ठीक ठाक है, जैसे कि मैंने आपको बोला SPF 50 से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, वो महंगे भी होते हैं, आपकी स्किन को उतना ही बचाते हैं जितना ये और SPF 40 या SPF 50 आपको बचाएगा। इसमें है, ये देता है आपको UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन, और ये है वाटर रेजिस्ट। सबसे अच्छी चीज, इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो पैराबेंस वाली चीजें नहीं यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, देख लेते हैं आपको सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना चाहिए। देखा जाए तो मुझे एक चीज याद आ रही है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, आंकड़े जो है वो सामने आए हैं कि हम इंडियंस जो है वो सनस्क्रीन का 1/3 ही यूज करते हैं जितना सनस्क्रीन हमें यूज करना चाहिए। सो आपको अप्रोक्सीमेटली यूज करना है, सो मैंने यहाँ पे लिया है अप्रोक्सीमेटली इतना सनस्क्रीन, और इसको आपने अच्छे से आपकी स्किन पे स्प्रेड कर देना है। सन से बचने का सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप सही तरीके से लगाएं, राइट अमाउंट लगाएं, इसको डैप डैप करना है आपने, इसे रगड़ना नहीं है, मतलब आपने इसे हल्का सा से स्प्रेड कर देना है ज्यादा जोर लगाए बिना, ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से फैल जाए, कुछ इस तरीके से। कहते हैं कि सनस्क्रीन को आपको हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए, चाहे उसका SPF जो है वो कितना भी हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं, अपनी स्किन को टॉवल ड्राई करते हैं, तो आपने हर
40 से 50 मिनट्स में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो टॉवल से कॉन्टैक्ट में आते ही सनस्क्रीन हट जाता है और आपका वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। सो मैंने इस सनस्क्रीन को काफी अच्छे से अप्लाई कर लिया है और आप देखेंगे जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी तब 5 से 7% इसने मेरी स्किन पे एक व्हाइट टिंट दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अप्लाई कर लिया 2 से 3 मिनट बाद वो चीज गायब हो गई, जो कि बहुत अच्छा साइन है एक अच्छे सनस्क्रीन का। मैंने वाले सनस्क्रीन भी यूज किए हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल व्हाइट बना देते हैं, व्हाइट कास्ट दे देते हैं, जो बहुत ही गंदा दिखता है। मतलब सनस्क्रीन का मतलब ये थोड़ी है कि वो आपकी स्किन को जितना अच्छे से व्हाइट करेगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे महंगे से महंगा सनस्क्रीन होता है वो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं देता। सनस्क्रीन को अच्छे से आपके गले तक, आपके कानों तक और जो भी एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं जैसे आपके हाथ वगैरह, वहां पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। और ध्यान दीजिएगा, हर 2 घंटे में, मैं कितनी बार बोलूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हर 2 घंटे में आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप बाहर जाएं आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट पहले। ऐसा नहीं कि चलो भाई अप्लाई कर लिया, हमको जाना है, अप्लाई कर लिया और हो गया काम, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस टाइम उस सनस्क्रीन के एप्लीकेशन का। तो मेक श्योर 15 से 20 मिनट पहले इसको लगाएं और हर 2 घंटे में रीअप्लाई करते रहें। सो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी कि सनस्क्रीन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जहां मैंने आपके पैसे बचाए हैं कि आपको SPF जो 50 है उससे अबव क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बात तो बराबर है, दोनों ही जैसा काम करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपको मजा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको मजा आया, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन को, ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रह पाएं। और हाँ, इस सनस्क्रीन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप चेकआउट करना ना भूलें। एंड यस, मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय।